मुल्क में कई फनकार वसाइल की कमी के बाइस गुमनामी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होते हैं। ऐसे ही जनूबी दिल्ली के गांव घीटोरनी में दो अलग अलग किसान कुंबे में पैदा हुए अमिताभ और निशा हैं, जिनकी महारत से कोई भी मुतासिर हो सकता है। लेकिन दोनों कुंबे की माशी हालत खराब होने की वजह से अमिताभ ग्रोसरी की दुकान चलाकर अपने कुंबे का पेट पालता है, तो निशा कई मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी तालीम को मुकम्मल कर रही है। लेकिन दोनों के खाका नवेसी के फन को देखकर कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता है। तो आइए आपको दोनों शख्सियात से आज रूबरू कराते हैं। अमिताभ बचपन से ही खाका निगारी कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कहीं से भी तालीम हासिल नहीं की है। ये फन उन्हें कुदरती तौर पर हासिल हुआ है। बचपन से ही उन्होंने खाका बनाना शुरू किया, लेकिन कुंबे की माशी हालत ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। बारहवीं पास करके हम कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद हमने देखा लोग सिर्फ पढ़ते पढ़ते भी हैं और पढ़ने के अलावा भी लोग आवारागर्दी भी ज़्यादा करते हैं, घूमते। फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद एक बार एक फ्रेंड ने बताया, उस प्रीति डेढ़ा नाम था उनका, उन्होंने मुझे बताया कि एक जगह फ्री इंग्लिश क्लासेस कोर्स, फ्री स्केच कोर्स हो रहा है, तो आप जाके एक बार कन्फर्म कीजिए। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ सर से पूछा, सर ने मुझे बताया सर आप आ सकते हो। मैंने सर को अपने पहले स्केचेस दिखाए कुछ, जो कोई मैंने बचपन में किए थे। अमिताभ अपने कुंबे की जिम्मेदारी संभालने के लिए ग्रोसरी की दुकान चलाता है, ताकि घर के अफराद के लिए दो वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। घर से चंद कदम के फासले पर वाकई उसकी दुकान में ही उसका पूरा वक्त गुजर जाता है। इस दौरान जब कभी भी उसे वक्त मिलता है तो वो खाका नवेसी करता है। जाने के लिए वैसे तो दुकान से ही घर चलता है, पर ये कि पेड वर्क कभी कभी मिल जाते हैं, ऑनलाइन इंस्टा पे फेसबुक के थ्रू मिल जाते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत मतलब सहायता मिलती है। अब पापा को भी ऐसे लगता है कि इसने टाइम वेस्ट नहीं किया, कि अगर स्केच किए तो स्केच से पैसे कमाते हैं थोड़े। अमिताभ की दिली ख्वाहिश है कि वो अपनी सलाहियतों को मुल्क और दुनिया के सामने रोशनास कराए। इसके साथ ही वो दूसरे बच्चों तक भी खाका निगारी के फन को पहुंचाना चाहता है। अमिताभ की ख्वाहिश अमिताभ बच्चन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें अपनी स्केचिंग को देने की है। दूसरी जानिब निशा भी एक खाका निगार है। एक किसान कुंबे में पैदा होने वाली निशा बचपन से ही बहुत जहीन है। वो न सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि खाका निगारी के फन में भी महारत रखती है। जैसे ही निशा के घर वालों को इसकी काबिलियत का एहसास हुआ, उन्होंने उसकी खूब मदद की। निशा को पढ़ाई से जैसे ही वक्त मिलता है वो खाका बनाना शुरू कर देती है। उसने सियासी रहनुमा, अदाकार और खिलाड़ियों की स्केचिंग की है। पास आउट के बाद ये स्केचिंग कर रही हूँ और मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ और स्केचिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत क्विलिंग आर्ट भी कर लेती हूँ। निशा स्क्रैचिंग के लिए ज्यादातर रद्दी के कागजात का इस्तेमाल करती है। वो ऐसा माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए करती है, ताकि कागजात के ज्यादा इस्तेमाल से माहौलियात को नुकसान न हो। अमिताभ भाई है जो मतलब जिनसे मैंने बहुत सब कुछ सीखा है, ज्यादातर स्केचिंग मैंने उन्हीं से सीखी है। निशा का ख्वाब भी अमिताभ की तरह ही है। दोनों ही अपने फन को पूरे मुल्क और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उनके घीटोरनी गांव का नाम रोशन हो सके। ये है कि लॉकडाउन में मेरे पास शीट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा कि रिसाइकल यूज़ कर लूँ थोड़ा बहुत। वो वेस्टेज वाली बुक थी, तो मैंने इसीलिए उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी की। दोनों के हाथों में ऐसी महारत है जो पेंसिल से ऐसा खाका बनाते हैं कि कोई भी हैरतज़दा रह जाता है। लड़कियों से बोला जाता है कि ये तुम्हारा ससुराल है, ये तुम्हारा मायका है, पर अपना घर उसके पास नहीं होता, तो मुझे अपना एक फ्लैट, अपना एक घर चाहिए बस, जिसपे मेरे नाम की मतलब प्लेट हो। मैं इसमें मुझे मतलब ड्राइंग टीचर बनना है और बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है ड्राइंग से रिलेटेड, जो कि मेरे को बचपन में इतनी नहीं मिल पाई। पूरे मुल्क में बहुत सारे अमिताभ और निशा जैसे फनकार हैं, जिन्हें अपने फन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मौका की तलाश है। ईटीवी भारत भी ऐसे हुनरमंदों को सलाम पेश करता है, और हमारी जिम्मेदारी भी ऐसे फनकारों को सामने लाने की है, ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।